तो हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स, आज लास्ट क्लास में हमने इनफाइनाइट सीरीज स्टार्ट किया था। जैसे आपको पता है, इनफाइनाइट सीरीज बहुत अच्छा टॉपिक है। उन सब बच्चों को मैंने बताया था कौन कौन बच्चा इस टॉपिक को कर सकता है। तो आज इनफाइनाइट सीरीज की सेकंड क्लास है स्टूडेंट, राइट। इस सेकंड क्लास के अंदर हम करेंगे बेसिक कंपेरिजन टेस्ट, पहले BCT। इसको हम BCT बेसिक कंपेरिजन टेस्ट भी बोलते हैं बेटा। जैसा कि हमारा एम क्या था बेटा, जैसा हमारा एम था टू टेस्ट द कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ एन इनफाइनाइट सीरीज, हमारा एम ये था। यस, यहाँ भी यही है ना, कंपैरिजन है। दो सीरीज हैं, उनमें से कंपैरिजन मेथड लगाएंगे हम लोग, राइट। तो ये बताने से पहले मैं कुछ आपको स्पेशल बात बता दूं स्टूडेंट्स। यहाँ पर स्पेशल बात क्या है, सीरीज ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म्स, ये स्पेशल बात है। सीरीज ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म्स, इस बात से क्या मतलब है और हमें क्या फायदा है वो आपको अभी पता चलेगा। सीरीज ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म्स, यस स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए कैसे, ये सीरीज है, सीरीज एन। इसमें जो ए एन है बेटा, वो सारे के सारे टर्म जो हैं वो जीरो से बड़े बराबर, और ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल, राइट। तो अगर ये सीरीज है तो इसका एस ओ पी एस भी होगा मेरे बच्चों। तो एस वन इज द फर्स्ट टर्म, यस, ए वन, यस। एस टू इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स। तो क्योंकि स्टूडेंट्स ये सीरीज ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म्स हैं, या तो टर्म्स जीरो होगी या जीरो से बड़ी होगी। तो एक बात बताइए मुझे, जो इसका मैं एस ओ पी एस बना रहा हूँ ये ऐसे करके, तो ये एस वन क्या छोटा बराबर होगा एस टू से, यस। क्या छोटा बराबर होगा एस थ्री से, यस। क्योंकि हाँ, बराबर क्यों, क्योंकि हो सकता है ए टू जीरो से बराबर हो गए, ए टू जीरो से बड़ा होगा तो बड़ा होगा एस टू। तो इसका मतलब अगर सीरीज ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म्स है तो उसका एस ओ पी एस क्या करेगा, एस ओ पी एस एस एन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, यस स्टूडेंट्स, उसका एस ओ पी एस मोनोटोनिकली इंक्रीज करें। अब मैं रिकैप डालता हूँ बेटा, रिकैप से बात करते हैं आपसे। कोई आपने मोनोटोनिक कन्वर्जन थ्योरम पढ़ी होगी कभी, वो क्या कहती है, अगर सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है और बाउंडेड अबव है, स्टूडेंट मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है और बाउंडेड अबव है, तो वो कन्वर्ज जरूर करेगा, यस स्टूडेंट्स। तो ये हमने पढ़ा हुआ है रिकैप के अंदर, एमसीडी मोनोटोनिक कन्वर्जेंस थ्योरम के अंदर। तो अगर एसओपीएस मोनोटोनिकली इंक्रीज है, कर रहा है, तो या तो वो डाइवर्ज करेगा। तो अगर यहां पर एसओपीएस अगर मोनोटोनिकली इंक्रीज कर रहा है तो दो बातें हैं हमारे पास, या तो वो डाइवर्ज करेगा या क्या करेगा बेटा, वो कन्वर्ज करेगा, राइट। तो कन्वर्ज कब करेगा, जब वो क्या होगा मेरे बेटा, बाउंडेड अबव होगा तभी कन्वर्ज करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा मेरे। यस, तो हम बात कर रहे थे स्टूडेंट सीरीज ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म्स की। तो ये तो मैंने मतलब बताया कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। चलिए अगले स्लाइड पे इस बात को ऑफिशियली लिख देते हैं, और लिखने के बाद इसको आगे बढ़ते हैं इस बात पे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देखिए मैं सीरीज ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म्स के बारे में लिखने जा रहा हूँ, तो देखते रहिए ध्यान से, राइट। तो फिर से लिख देता हूँ एक बार और, सीरीज ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म, सीरीज ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म्स हम इसकी बात कर रहे हैं। तो कहता है कौन सी सीरीज, सीरीज सीरीज एम, सीरीज एम बी आर सीरीज, सीरीज एम बी आर सीरीज ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म्स, मतलब सारे के सारे टर्म्स जो हैं मेरे बेटा, जो ए एन है आपका, वो जीरो से बड़ा बराबर होगा और ऑल द नेचुरल, करेक्ट है बेटा। तो देन क्लियरली बेटा, क्लियरली क्या होगा, ये बात आपको क्रैम नहीं करनी है, समझने के लिए थी। तो इट्स एस ओ पी एस सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स एस एन, ये मैंने अभी अभी बताया, इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, is monotonically increasing, right? Hence,
वन स्टूडेंट्स, एस एन एक बार बताओ ऑसिलेट तो नहीं कर रहा होगा, तो एस एन कैन नॉट ऑसिलेट, एस एन ऑसिलेट नहीं कर रहा होगा, एस एन ऑसिलेट नहीं कर रहा होगा, या तो वो कन्वर्ज करेगा, इट आइदर कन्वर्जेस और डाइवर्ज, मैंने आपको अभी बताया या तो कन्वर्ज करेगा या क्या करेगा, आइदर कन्वर्जेस और डाइवर्ज, या तो कन्वर्ज करेगा मेरे बेटा या क्या कर देगा, डाइवर्ज करेगा। ओके, दूसरा, अब हम लिख रहे हैं नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन फॉर फॉर एस ओ पी एस एस एन टू कन्वर्ज, एस एन टू कन्वर्ज इज दैट इट इज बाउंडेड, है ना, इज दैट इट इज बाउंडेड, इज एक्चुअली बाउंडेड अबव, यस स्टूडेंट्स, ये बात तो मेरी ध्यान से समझ में आई गई होगी, मैं आपको डिटेल में पहले बता ही चुका हूं। तो स्टूडेंट्स इस स्टेटमेंट को बहुत ध्यान में रखिएगा, जब भी मैं वर्ड बोलूं सीरीज ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म्स, तुम्हारे मन में पहली बात क्या आनी चाहिए स्टूडेंट्स, कि उसका एसओपीएस क्या करेगा, मोनोटोनिकली इंक्रीज, यस, तो इंक्रीज करेगा या तो वो कन्वर्ज करेगा डाइवर्ज, राइट, तो कन्वर्ज कब करेगा, जब वो क्या होगा मेरे बेटा, बॉन्डेड अबव। अच्छा मैंने बोला नेसेसरी इनसफिशिएंट, बॉन्डेड अबव होगा तो कन्वर्ज करेगा, और कन्वर्ज कर रहा होगा तो बाउंडेड तो होगा ही बेटा, एवरी कन्वर्जन सीक्वेंस इज बाउंडेड, यस। तो ये स्टेटमेंट है आपकी, तो आपको ये याद रखनी है, जब भी मैं वर्ड बोलता हूं कभी भी पढ़ाते वक्त, कि बच्चों सीरीज ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म्स की बात कर रहे हैं हम लोग, तो जब भी सीरीज ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म्स की बात कर रहे हैं तो ये दो बातें दिमाग में आएंगी, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, हाँ सीधा बोलना है सर, फर्स्ट एसओपीएस मॉनिटरिंग इंक्रीज करेगा, सेकेंड वो कन्वर्ज तब करेगा जब बाउंड अबव होगा, या अगर बाउंड अबव है तो कन्वर्ज करेगा, और कन्वर्ज कर रहा है तो क्या होगा, बाउंड अबव, दोनों बातें सही मानी जाएंगी। चलिए जी, तो ये मैंने बता दिया आपको नॉन नेगेटिव टर्म्स के बारे में, पर हमारा टॉपिक तो था आज का बेसिकली, हमारा आज का जो टॉपिक है मेरे बेटा वो तो बेसिक कंपैरिजन टेस्ट है, तो क्यों ना हम अपनी क्लास अब आगे बेसिक कंपैरिजन टेस्ट से ही स्टार्ट करें, ठीक है बेटा जी, तो लेट स्टार्ट विद द टॉपिक कॉल्ड बीसीटी, बेसिक कंपैरिजन टेस्ट, जैसा नाम में ही सब कुछ लिखा है बेटा, कंपैरिजन बिटवीन टू सीरीज, बेसिक कंपैरिजन टेस्ट, तो स्टूडेंट से क्या कहता है, लेट सीरीज, सीरीज ए एन एंड सीरीज बी एन, दो सीरीज है बेटा हमारे पास, बी टू सीरीज ऑफ, टू सीरीज ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म्स, ये दो सीरीज है मेरे बच्चों नॉन नेगेटिव टर्म्स, करेक्ट है, एंड सपोज सपोज दैट मेरे बेटा देर एग्जिस्ट के, के एक कोई पॉजिटिव रियल नंबर है मेरे बेटा, के कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, किस तरीके से, सच दैट, ये स्टेटमेंट देखने वाली होगी स्टूडेंट्स, मैं सब कलर क्यों ना चेंज कर दूं, सच दैट ए एन इज लेस देन इक्वल टू के टाइम्स बी एन फॉर ऑल द टर्म्स ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट एंड नॉट, ये रिलेशन आएगा सच दैट के बाद, मैंने जबरदस्ती इसको अलग कलर में लिखा है। अब क्या कहती है स्टेटमेंट, स्टेटमेंट कहती है ए एन किससे छोटा बराबर है, के टाइम्स बी एन से, तो स्टेटमेंट कहती है अगर आगे वाली सीरीज, आगे वाली कौन सी है, बी एन, अगर सीरीज बी एन कन्वर्ज करेगी, अगर आगे वाली सीरीज कन्वर्ज करेगी स्टूडेंट्स, तो पीछे वाली सीरीज भी कन्वर्ज करेगी, ऐसा कौन कह रहा है, बेसिक कंपेरिजन टेस्ट, मतलब आपने क्वेश्चंस को करते वक्त अगर आगे वाले सीरीज को कन्वर्जेंस दिखा दिया तो बेसिक कंपैरिजन टेस्ट का नाम लगा के पीछे वाली सीरीज भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी बेटा, लेकिन ये तो इम्प्लीकेटिव स्टेटमेंट है, क्यों ना इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव भी देखा जाए, कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या कहता है वो भी तो देख रहे हैं भाई, तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या कहता है, इसका कन्वर्स का नेगेशन, तो कन्वर्स करेंगे उसका नेगेशन, मतलब कि पीछे वाली सीरीज अगर डाइवर्ज कर रही है तो आगे वाली भी डाइवर्ज करेगी, ये इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट है बेटा,
मैं पहले बताया था, ये तो इम्प्लीकेटिव स्टेटमेंट थी आपकी, मैंने कहा ही था दोनों ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव, राइट? क्या दोनों स्टेटमेंट समझ में आ गई आपको? हाँ जी। तो स्टूडेंट्स बेसिक कंपेरिजन टेस्ट ये बात कह रहा है, कंपेरिजन है दो सीरीज के बारे में, बड़ा अच्छा है ये। तो चलिए क्यों ना पहले इसका प्रूफ कर लिया जाए, लेट्स डू द प्रूफ ऑफ दिस टेस्ट। हम इसका प्रूफ कर लेते हैं पहले, तो प्रूफ शुरू करते हैं। दो जो बच्चे, हाँ, मैथमेटिक्स ऑनर्स या ग्रेजुएशन के बच्चे हैं, उनको प्रूफ्स आते हैं, तो हम बीच बीच में प्रूफ्स भी करते जाएंगे और एप्लीकेशन तो करेंगे करेंगे, वो तो उसके बिना तो मजा ही नहीं आएगा आपको एप्लीकेशन के बिना। तो लेट मी स्टार्ट विद द प्रूफ स्टूडेंट्स। तो हम प्रूफ से स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर आपको। तो प्रूफ, तो एक बात बताओ, जब दो सीरीज हैं तो एसओपीएस भी होंगे। तो लॉजिक सीरीज शुरू करते हैं, लेट एस एन एंड टी एन, एस एन एंड टी एन। तो किसी भी सीरीज के कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस के लिए एसओपीएस का सहारा लिया जाता है, आपको बताया था मैंने, टी एन बी बी द एसओपीएस सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स ऑफ ऑफ व्हाट सीरीज बेटा, सीरीज ए एन एंड सीरीज बी एन, ठीक है? एस एन टी एन एसओपीएस है। तो एस एन कैसा हुआ, देखने में कैसा होगा एस एन? एस एन होगा भाई ए वन प्लस ए टू प्लस डैश 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 ए एन तक, मानते हो ये बात बच्चों? हाँ। और टी एन कैसा हो जाएगा ऐसे, वो भी ऐसे ही हो जाएगा बेटा, ए बी वन प्लस बी टू प्लस डर 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 लाइक बी एन, राइट? है ना, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। यस ऑफ यस हो गया। अब बताओ आपकी सीरीज कैसी है, सीरीज ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म्स है। तो सीरीज ऑफ अगर नॉन नेगेटिव टर्म्स है तो सबसे पहली बात दिमाग में क्या आएगी कि उन दोनों के एसओपीएस क्या करेंगे स्टूडेंट्स? तो नेक्स्ट पेज पे लिख के दिखाते हैं आपको बेटा क्या करेंगे। एज एज सीरीज ए एन एंड सीरीज बी एन बी टू सीरीज सीरीज ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म्स, तो बताओ उसका एसओपीएस क्या करेगा, क्या दिमाग में ख्याल आ रहा है, मोनोटोनिकली इंक्रीज करेगा कि नहीं? यस, देयर फॉर एस एन एसओपीएस एस एन एंड टी एन आर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। एस एन और टी एन क्या करेंगे मेरे बेटा, मोनोटोनिकली इंक्रीज करेंगे। जरा एक बार पीछे वाले स्लाइड पे फिर से चलते हैं, राइट? तो अगर पीछे वाले स्लाइड पे चलते हैं मेरे बेटा, तो देखो पीछे वाले स्लाइड पे क्या कहता है स्टेटमेंट, ये है हमारी पहली जो प्रूव कर रहे हैं, ये प्रूव कर दोगे तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव अपने आप। तो बताओ आगे वाली सीरीज कन्वर्ज कर रही है कि नहीं कर रही? कर रही है। और आपने बताया कि भाई ये सीरीज जो है ये सीरीज ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म्स है, राइट? तो इसका एसओपीएस क्या करेगा, मोनोटोनिकली इंक्रीज, राइट? अगर सीरीज कन्वर्ज कर रही है तो एसओपीएस भी कन्वर्ज कर रहा होगा, तो इसका मतलब एसओपीएस बाउंड अबव होगा कि नहीं होगा, बताओ? होगा ना बेटा, मैंने तो अभी स्टेटमेंट लिखवाई ना, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन लिखवाई ना अभी। अगर सीरीज ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म्स है और एसओपीएस मॉनिटरिंग इंक्रीज कर रहे हैं तो बाउंड अबव होगा तो कन्वर्ज, और ऑलरेडी कन्वर्ज कर रहा है, सीरीज ही कन्वर्ज कर रही है, कौन सी सीरीज, बी एन कन्वर्ज कर रही है। तो अगर सीरीज बी एन कन्वर्ज कर रही है तो उसका एसओपीएस भी कन्वर्ज करेगा, क्योंकि हाँ, सम ऑफ सीरीज इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एसओपीएस। तो अगर एसओपीएस कन्वर्ज करेगा तो वो बाउंडेड अबव भी होगा। मेरे ख्याल में मेरी बात समझ में आ रही होगी मेरे बच्चों को कि मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूं इस बात से, है ना? अगर हम पीछे की तरफ चलें थोड़ा सा, स्लाइड सिक्स पे, अच्छा मैं जल्दी आगे आ गया थोड़ा, है ना, और पीछे जाता हूँ फाइव पे, हाँ यहाँ थे। तो एसओपीएस मोनोटोनिकली इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक, और हमें पता है लेट सीरीज बी एन कन्वर्जेस, सीरीज बी एन क्या कर रही है बेटा, कन्वर्ज, तो इट्स एसओपीएस टी एन ऑल्सो कन्वर्जेस ना बेटा, तो कन्वर्ज करेगा तो बाउंड अबव भी तो होगा। तो क्या ये बात लिखने में कोई फांसी थोड़ी लग जाएगी, दैट टी एन इज बाउंडेड अबव? यस,
एवरी कन्वर्जन सीक्वेंस इज बाउंडेड, और क्योंकि ये सीरीज नॉन नेगेटिव टर्म्स की है तो इसके एसओपीएस मोनोटोनिकली इंक्रीज कर रहा है, तो वो बाउंड अबव होगा तो ही कन्वर्ज। करेक्ट है बच्चों, डेफिनेशन इसी नंबर से। तो बाउंड अबव की नए वाली डेफिनेशन, देर एग्जिस्ट एम, मेरा नाम है मनीष, बी अ पॉजिटिव रियल नंबर, राइट, नोटेशन लगानी है कोई तो लगाऊंगा यार, राइट, सच दैट बाउंड अबव लिखना है, तो टी एन इज लेस देन इक्वल टू एम फॉर ऑल एंड बिलोंग्स टू नेचर। इज दिस करेक्ट एवरी वन और नॉट? क्या यहां तक की बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आ गई। चलो जी, अब क्या शो करना है? अरे भाई पीछे चलो एक बार फिर से, मजा मतलब तभी आएगा। रूट तो बता दूंगा आपको सम से हम, करना क्या है? एक बात बताओ, आपकी सीरीज बी एन कन्वर्ज करती है तो आपको शो करना है कि सीरीज एन भी क्या करेगी, कन्वर्ज। ऑलरेडी आपका एसओपीएस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है तो आपको सिर्फ बाउंड अबव ही तो दिखाना है। अगर आप बाउंड अबव दिखा दोगे तो क्या एसओपीएस एसएन कन्वर्ज कर जाएगा? तो सीरीज भी तो कन्वर्ज कर जाएगी, तो बहुत सिंपल था। तो अब आपको क्या शो करना है? मैं पीले कलर से बताया था इसको, येलो कलर से बेटा, है ना? तो वी 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 शो दैट, वी शो दैट, बीच बीच में मैं शो दैट समझाता रहता हूँ कि कहीं भूल ना जाना कहाँ जाना था। हमें शो करना है कि एस एन एस ओ पी एस है वो बाउंडेड अबाव होगा, ये शो करना है। तो अपने आप ही कन्वर्जेंस पे चला जाएगा भाई, क्योंकि ऑलरेडी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग तो वो है ही ना मेरे बेटा, राइट। तो अब हमारा काम है इस येल्लो वाली बात को सच करना कि जो एस एन एस ओ पी एस है उसको हमें बाउंडेड अबाव दिखाना है, राइट। तो भाई मेरे साथ सब बच्चे आ जाइए और बड़े आसान तरीके से हम इसको प्रूफ को दिखाएंगे, राइट। ओके, तो शुरू करते हैं इसको, एस एन क्यों लेके चलते हैं अपने? तो जी भाई एस एन पे ही बात करते हैं सारी बाउंडों को। एस एन किसके बराबर होगा मेरे बेटा? ए वन प्लस ए टू प्लस प्लस डैश 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 डैश, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? ए एन। तो क्या मैं इसको थोड़ा सा ब्रेक कर लूं, मैं इसको ऐसे लिख लूं अगर बच्चों, तो आप नाराज तो नहीं होंगे? ए वन प्लस ए टू प्लस प्लस ए एन नॉट, फिर ए एन नॉट प्लस वन प्लस डैश 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 प्लस ए एन, क्या बोलते हो बच्चों, चलेगा ऐसा कि नहीं चलेगा? कर सकता हूं, टर्म्स हैं, डिवाइड के क्यों किया पर सर आपने डिवाइड, फिर पीछे चलना पड़ेगा आपको भाई। हाँ जी, देखिए आप जरा पीछे चल के, क्या ये स्टेटमेंट जो है ये कौन सी टर्म्स के लिए ट्रू है? ये सभी नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू है या सिर्फ उन्हीं नंबर्स के लिए ट्रू है जो एन नॉट से बड़े बराबर है? बच्चों ये जो स्टेटमेंट है ये किसके लिए ट्रू है बताओ? उन सब टर्म्स के लिए ट्रू है जो किससे बड़े बराबर है? एन नॉट। यस बेटा, तो इसका मतलब ये जो ए एन नॉट टर्म है या ए एन नॉट प्लस वन वाली टर्म है, ये छोटी बराबर है किससे? के टाइम्स बी एन नॉट प्लस वन, और ये सारी टर्म्स यहाँ की छोटी बराबर है के टाइम्स बी एन से, फ्रॉम ए जो मैं अभी पीछे बता के आया हूँ अभी। अरे भाई ए एन नॉट प्लस वन, ए एन सी, सारी टर्म, लेकिन ये छोड़ दी मैंने, इन सब टर्म्स, ये बेटा एन नॉट टर्म्स है, एन नॉट मतलब 10 टर्म्स है, ये 11th टर्म है, 12th टर्म है। तो वो जो पीछे मैंने बात बताई थी आपको अभी अभी बेटा, ये कौन सी टर्म्स के लिए ट्रू है? ये उन सब टर्म्स के लिए ट्रू है जो किससे बड़े बराबर है? एन नॉट। तो क्या एन नॉट प्लस वन के लिए ट्रू है? यस। एन नॉट प्लस टू के लिए ट्रू है? यस। तो एन तक सभी के लिए ट्रू है ये, इसका मतलब, लेकिन उससे छोटी टर्म्स के लिए ट्रू नहीं है, तो इसलिए इसको शुरू किया गया यहां से। अब ये जो सम आएगा इसको मैं कोई कांस्टेंट ए मान लूं बेटा, क्योंकि 10 टर्म्स का सम फिक्स्ड कांस्टेंट होता है, मानते हो कि नहीं मानते? ओके, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं? ए प्लस के टाइम्स, कन्वीनियंस के लिए, क्योंकि एन नॉट प्लस वन के बाद भी मान लो कोई एन टर्म्स हैं, ऐसे मान लिया कन्वीनियंस के लिए, इसको बी वन टू बी एन लिख दी। तो मेरे बेटा क्या ये बी वन टू बी एन आपका एस ओ पी एस टी एन हो गया? और क्या इक्वेशन वन में टी एन बाउंडेड अबव बाय विच नंबर? ये टी एन बाउंडेड अबव बाय एम है कि नहीं? फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर फ्रॉम वन,
ये बात फ्रॉम वन से आ गई, आई होप दिस इज क्लियर। अब ए कॉन्स्टेंट है, क्यू कॉन्स्टेंट है, 10 टर्म्स का सम फिक्स्ड होता है जी, ठीक है। ये कहां से लेके आए, ये वाला, ये सिस्टम सारा कहां से आया, फ्रॉम ए, जो मैंने थ्योरम में हमें गिवन है, जो थ्योरम में हमें गिवन है वहां से आया। ओके सर जी, सर फिर आपने ये बी वन बी टू कन्वीनियंस के लिए, भाई कन्वीनियंस के लिए एन टर्म्स फाइनाइट टर्म्स ही तो लिखी है। एक बात बताओ, एन नॉट 11वां टर्म है, मान लो एन नॉट 10 था, तो 11 12 एन तक फाइनाइट टर्म्स ही तो है, सम ऑफ फाइनाइट टर्म्स को 1 टू n लिख दिया, उसको टी एन मान लिया, और टी एन तो बाउंडेड अबव है फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, तो टी 10 भी बाउंडेड अबव है, टी 20 भी बाउंडेड अबव है, टी 30 भी, तो सब टी एन बाउंडेड अबव है ना, मतलब तो ये जो भी टी एन बनेगा ये भी तो बाउंडेड अबव है, राइट। तो बताओ मेरे बच्चों, ये एस एन क्या लेस देन इक्वल टू ए प्लस के एम है कि नहीं है, बताइए। मजा आ गया भाई, मजा आ गया सच में, बड़ी आसानी से प्रूफ हो गया कि एस एन इज बाउंडेड अबव बाय ए प्लस के एम फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू व्हाट, नेचुरल नंबर्स, राइट, बाउंडेड अबव ऑलरेडी। एस एन कैसा भी है बेटा, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है कि नहीं है बताओ, SN is monotonically, so therefore clearly beta, है ना, SN bounded above भी है, SN is monotonically increasing and bounded above, therefore SN converges, so that is, तो उसका मतलब series AN भी क्या करेगी मेरे बेटा, converge करेगी। क्या मेरे बच्चों ये स्टेटमेंट समझ में आई कि नहीं है, थोड़ा सा एक बार पीछे से वापस चलते हैं बेटा इस पे, ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं। हम पढ़ रहे थे बेसिक कंपैरिजन टेस्ट का प्रूफ कर रहे थे, पहले स्टेटमेंट समझ लेते हैं, सीरीज ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म्स है, और ये बात मैं बता चुका हूँ, नॉन नेगेटिव टर्म्स का एसओपीएस मोनोटोनिक इंक्रीज करता है, ये बात समझ में आ गई सबको। अच्छा, के कोई पॉजिटिव नंबर, राइट, ए एन छोटा बराबर है के टाइम्स बी एन से, ये बात साथ सभी नेचुरल नंबर्स के लिए नहीं है, उन सब के लिए कुछ टर्म्स के बाद, ये शुरू से नहीं हो सकता, जरूर नहीं कि शुरू से हो सकता है एन नॉट वन हो सकता है एन नॉट टेन हो सकता है एन नॉट हंड्रेड हो, शुरू से जरूर नहीं है। हाँ, तो सीक्वेंस ए एन की सारी टर्म छोटी बराबर है के टाइम्स बी एन से, तो अगर आगे वाला सीरीज कन्वर्ज करेगी तो पीछे वाले भी कन्वर्ज करेगी, ये थ्योरम थी। तो इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या था, कि पीछे वाले डाइवर्ज करेगी तो आगे वाले भी करेगी, ये तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव, पर थ्योरम तो यही है, हमें थ्योरम यही प्रूव करनी है, राइट, ओके। हमें पता है सीरीज बी एन कन्वर्ज करेगी, स्टोरी को, अब मैं स्टोरी की एक वो बता रहा हूँ आपको कि कैसे इसको याद रखा जाए, कभी भी स्टेटमेंट्स को कोई प्रूफ करते हैं तो याद कैसे रखा जाए। हमें पता है कि सीरीज बी एन क्या कर रहा है, कन्वर्ज, तो यहां से एसओपीएस टी एन भी क्या करेगा, कन्वर्ज, राइट, और ऑलरेडी एसओपीएस टी एन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और वो कन्वर्ज भी कर रहा है, तो देयर फोर एसओपीएस टी एन इज बाउंडेड अबव, करेक्ट, इज बाउंडेड अबव, राइट, बाउंडेड अबव, और हमारा, हमारी जो सीरीज है ए एन वो छोटी बराबर है के टाइम्स बी एन, ओके। तो अब मुझे पिछली वाली सीरीज का जो एसओपीएस है एसएन, अगर ये बाउंडेड अबव है तो इसको भी बाउंडेड अबव दिखाना है, तो मुझे अब एसएन को बाउंडेड अबव दिखाना है, और एसएन ऑलरेडी ऑलरेडी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, क्यों, क्योंकि सीरीज ऑफ नॉन नेगेटिव, तो बाउंडेड अबव प्लस इंक्रीजिंग प्लस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, तो एसएन कन्वर्ज करेगा, तो अगर एसएन कन्वर्ज करेगा तो सीरीज भी क्या करेगी मेरे बच्चे, कन्वर्ज करेगी, पूरी चेन है, समझ में आ रहा है कैसे चीजों को यूज करना है। बस यहाँ खास बात क्या थी, ये सभी नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू नहीं था, ये सिर्फ उन्हीं नंबर्स के लिए ट्रू था जो सब एन नॉट से बड़े बराबर है, तो हमने यूज कर लिया उसको, कोई बात नहीं। आई होप द प्रूफ इज क्लियर टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं रहेगा यहाँ पर आप लोग। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इस पे और बातें बताते हैं, राइट, तो मैंने तो ये बात तो बता दी भाई आपको, है ना, कॉन्ट्रा पॉजिटिव वाली बात तो बता दी मैंने, ठीक है जी। तो अगर एन नॉट को वन कर दें हम लोग, तो सीरीज पहले टर्म से शुरू हो जाएगी, फिर हमारे को झंझट ज्यादा नहीं रहेगा,
आसानी से हो सकता है। ठीक है, तो ये है बेसिक कंपैरिजन टेस्ट, हमने थ्योरम की है बेटा। अब बेसिक कंपैरिजन टेस्ट के बाद में जो कुछ थ्योरम बतानी पड़ेंगी, फिर प्रूफ बताऊंगा उनके, तो देखिए प्लीज। तो टिल है वी हैव डन बेसिक कंपैरिजन टेस्ट। अब मैं बता रहा हूं बेटा टू कंपैरिजन सीरीज, टू तो दोनों को अलग अलग कलर से बता दिया जाए, माहौल थोड़ा रंगीन रखा जाए भाई, राइट। तो पहली है ज्योमेट्रिक सीरीज, ज्योमेट्रिक सीरीज ये पहली सीरीज है बेटा हमारी, ज्योमेट्रिक, राइट। इसको ऐसे लिखते हैं सीरीज ए आर टू द पावर एन माइनस वन एन वन टू इन्फिनिटी, अ सीरीज ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म्स या पॉजिटिव टर्म्स, क्योंकि फर्स्ट टर्म भी जीरो से बड़ी है, कॉमन रेशियो भी जीरो से बड़ी। तो अगर आप इसको लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं बेटा ए ए आर स्क्वायर एन डैश डैश। तो क्या रिजल्ट क्या है इसके बारे में, रिजल्ट क्या है, रिजल्ट की बात करें ज्योमेट्रिक, कहता है द ज्योमेट्रिक सीरीज जो हमारी ज्योमेट्रिक सीरीज है बच्चों, द ज्योमेट्रिक सीरीज सीरीज ए आर टू द पावर एन माइनस वन विच इज अ सीरीज ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म या पॉजिटिव टर्म्स बोल सकते हैं, कन्वर्जेस, ये ज्योमेट्रिक सीरीज कन्वर्जेस इफ कॉमन रेशियो इज लेस एंड डाइवर्जेस डाइवर्जेस इफ द कॉमन रेशियो इज ग्रेटर। जैसे और डिटेल में समझाते हैं कॉमन रेशियो से क्या मतलब है, एग्जाम्पल से समझ में आएगी बात। जैसे कि मेरे बेटा ये सीरीज है सीरीज टू टू द पावर एन और एन वेरी कर रहा है वन से, तो इसको कैसे लिखोगे आप बेटा, 2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब प्लस ऐसे जाएगा बेटा मेरे, इसमें कॉमन रेशो क्या है, इसमें 2 है बेटा जो किससे बड़ी है 1 से। तो इसने कहा है कि अगर कॉमन रेशो 1 से बड़ी है तो देयरफॉर सीरीज डाइवर्ज, तो ये सीरीज क्या करेगी मेरे बेटा, डाइवर्ज करेगी, यस। उदाहरण नंबर 2 बेटा, सीरीज 1 अपॉन 5 टू द पावर n n vary from 1 to n, तो सीरीज है 1 by 5 भाई, 1 by 5 का स्क्वायर है मेरे बेटा, 1 by 5 का क्यूब है मेरे बेटा, ऐसे चलती जाएगी तो कॉमन रेशो आ जाएगी इसकी 1 by 5 जो कि 1 से छोटी है, therefore सीरीज कन्वर्ज। हाँ जी बेटा ये सीरीज कन्वर्ज करे। ऐसी मेरे बेटा एग्जांपल 3 देखो, सीरीज 1 by 3 to the power n, तो क्या मैं इसको सीरीज 1 upon 3 whole to the power n भी बोल सकता हूँ, तो इसमें कॉमन रेशियो क्या है बेटा हमारा 1 by 3 which is less than 1, therefore सीरीज कन्वर्ज। अब कोई बच्चा हो सकता है, कोई बच्चा शर्मा के ना पूछे हमसे कि सर कॉमन रेशियो कैसे निकलेगा, तो बहुत आसान है, कॉमन रेशियो होता है टर्म n डिवाइडेड बाय टर्म n माइनस 1, very simple, where n is equal to 2, 3, 4 and so on, term n को term n minus 1 से divide करते हो, या term n plus 1 upon term n, ऐसे भी बोल सकते हैं बेटा जी, तो ऐसा कर लेंगे, फिर हम यहाँ से 1 से start कर सकते हैं बेटा, आपको जैसा आराम लगे, उस तरह से आप start कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4 भी ऐसे, इस तरह से आप कॉमन रेशो निकाल सकते हैं। ये क्या कौन कह रहा है, ज्योमेट्रिक सीरीज के लिए, अभी प्रूफ नहीं बता रहा हूँ, प्रूफ अभी नेक्स्ट लेक्चर बताऊंगा, पहले मैं दोनों कंपैरिजन सीरीज के बारे में बता देता हूँ, तो ज्योमेट्रिक सीरीज समझ में आ गई। अब देख लीजिए आप नेक्स्ट कंपैरिजन सीरीज है पी सीरीज, पी सीरीज, हाँ जी बेटा,
फेमस है पी सीरीज। हाँ जी बहुत फेमस है, द पी सीरीज के नाम से इसको जानते हैं ज्यादातर। द पी सीरीज कैसी होती है ये सीरीज? वन अपॉन एन टू द पावर पी बेटा, वन प्लस वन अपॉन टू टू द पावर पी प्लस वन अपॉन थ्री टू द पावर पी प्लस वन अपॉन फोर टू द पावर पी प्लस डा। देखो पावर पे खेल है सारा। तो ये क्या कहता है आर्टिकल भाई आपको? देखिए आर्टिकल क्या कहता है आपको, तो ये आर्टिकल कहता है आपको पी सीरीज क्या कहती है? द सीरीज सीरीज वन अपॉन एन टू द पावर पी, पावर में पी है भाई ये, तो कंफ्यूज मत हो जाना गलती से। यहाँ पर मुझे बोलो सर, मुझे तो नीचे लिख रहा था, मेरे शब्दों शब्दों पे भी ध्यान दे रहे हैं। हाँ एन की पावर पी कन्वर्जेस इफ पी इज ग्रेटर देन वन, अगर ये पी वन से बड़ा होगा तो इस सीरीज कन्वर्ज करेगी, एंड डाइवर्जेस इफ पी इज लेस देन इक्वल टू वन। चलो जी सर समझाओ, उदाहरण से एग्जाम्पल से समझाते हैं अपने बच्चों। एग्जाम्पल वन, मैंने सीरीज ले ली वन बाय एन, ओके तो इस वन बाय एन सीरीज में पी क्या दिख रहा है आपको? सारे बच्चे मुझे पी बताओ पी क्या है। पी वन तो है, दिख तो रहा है पी वन, कुछ नहीं है तो वन है, तो पी इज इक्वल टू वन, तो बताओ क्या करेगी ये सीरीज? अरे डाइवर्ज करेगी, पी छोटा हो या बराबर हो वन से तो क्या करेगी? डाइवर्ज। चलो तो दोबारा दोबारा फिर से खेलते हैं, एग्जाम्पल टू फिर से खेलेंगे। वन अपॉन रूट एन, हाँ अब ठीक, अब बताओ मेरे बेटा पी क्या है? पी क्या है बताओ मुझे, पी पी है हाफ रूट है ना बेटा, हाँ जो किससे छोटा है वन से, तो देयरफॉर सीरीज डाइवर्जेस अगेन, लेस देन इक्वल टू वन पे डाइवर्ज करेगी ना मेरे बेटा, है ना, तो लेस देन इक्वल टू वन पे डाइवर्ज करे, डाइवर्ज ही करेगी बेटा। एग्जाम्पल थ्री मेरे बेटा, सीरीज वन अपॉन एन स्क्वायर, अब पी क्या है भाई यहाँ पर बताओ जल्दी से सारे बच्चे? पी टू है बेटा जो कि वन से बड़ा है, तो देयरफॉर सीरीज क्या करेगी बेटा? कन्वर्ज। यस, तो अब सोचो कि इस तरह से मैं कितनी सीरीज बना सकता हूँ। वन अपॉन एन की पावर थ्री बाय टू मेरे बेटा, थ्री बाय टू, तो बताओ मेरे बच्चे पी क्या है इसमें? व्हाट इज पी हेयर? हाँ बिल्कुल सही बोले, थ्री बाय टू, और वो किससे बड़ा है? वन से, तो सीरीज क्या करेगी मेरे बेटा? कन्वर्ज। किसका नाम लगाओगे? और ये सारे काम करते वक्त कभी भी कन्वर्जन डाइवर्जन लिखो, किसका नाम लगाओगे? पी सीरीज का, कि सर जी इस सीरीज ने कहा था कि ये कन्वर्ज करेगी। ठीक है बच्चों, तो मैंने इस लेक्चर के अंदर आपको बेसिक कंपैरिजन टेस्ट, सीरीज ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म्स और ज्योमेट्रिक सीरीज ऑफ पी सीरीज की स्टेटमेंट्स को समझाया है। अब नेक्स्ट सेक्शन के अंदर जब नेक्स्ट क्लास अभी लेक्चर में होगा, तो उसमें पहले मैं ज्योमेट्रिक सीरीज और पी सीरीज का आपको प्रूफ कराऊंगा, और उसके बाद क्वेश्चंस कराऊंगा बेटा, दोनों के प्रूफ भी कराने हैं और उसके बाद क्वेश्चंस कराने हैं। हाँ जी, फिर हम पहले इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे बेटा, फिर आगे बढ़ेंगे। तो इस वीडियो को मैं यहीं रोकता हूँ, आप इस वीडियो को देखिएगा, और नेक्स्ट वीडियो अभी आएगी, तो उस वीडियो में आप लोग पी सीरीज और ज्योमेट्रिक सीरीज का प्रूफ देखिएगा। प्रूफ वो बच्चे देखें जो ग्रेजुएशन वाले हैं, जो एंट्रेंस वाले आई टी जैम नेट गेट वाले बच्चे हैं, वो एप्लीकेशन वाला पार्ट देखें। राइट, थैंक यू वेरी मच बच्चों। ये हो गया।